हेलो गाइस, माय सेल्फ वैभव। तो आज का फैक्ट है, आप सभी ने सीरियल्स और मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी किसी गुनहगार को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है जज के द्वारा, तो जिस भी पेन से जज ने डेथ सेंटेंस लिखा होता है उस बंदे के लिए, उस पर साइन करके जज उस पेन की निब को तुरंत तोड़ देते हैं। तो आप सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है। जी हाँ, ऐसा रियल लाइफ में होता है। तो पर मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया जाता है जज लोगों के द्वारा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं तो मैं बताता हूँ। तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि एक बार अगर जज ने किसी गुनहगार को फांसी की सज़ा सुना दी तो उस डिसीजन को कोई भी नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि वो जज भी नहीं बदल सकते जिन्होंने सज़ा सुनाई है। वो बात अलग है कि देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति उस सज़ा को बदल सकते हैं, वो एक्सेप्शन केस है। इसका दूसरा कारण है कि वो जज पेन की नींव इसलिए तोड़ देते हैं ताकि आगे किसी भी इंडियन को यानी कि हिंदुस्तानी को इतनी बड़ी सज़ा ना दी जाए। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि पहली बार नींव किसके लिए और कब तोड़ी गई थी। पहली नींव तोड़ी गई थी कोर्ट में 1949 में। यस, ये आज़ाद भारत के बाद की बात है। 1949 में तोड़ी गई थी महात्मा गांधी के हत्यारे नत्थूराम गोडसे के लिए। क्या आपको ये जानकारी इससे पहले पता थी? आंसर इन कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड शोर टू हिट द लाइक सब्सक्राइब।